आज मॉर्निंग में 5 बजे मेरी मॉर्निंग हुई है। यहाँ पे बैठ के मैं जब भी फजर की अज़ान सुनता हूँ ना, मुझे बहुत सुकून मिलती है। अभी मैं रेडी होऊंगा और उसके बाद चलूँगा नमाज़ पढ़ने के लिए। और आज हमारा होने वाला है फर्स्ट डे। मैं प्री वर्कआउट में कॉफ़ी पीता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, 240 ml जैसा पानी होता है, और उसके अंदर मैं 1/2 tablespoon कॉफ़ी डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं वर्कआउट के लिए रेडी हूँ, लेट्स गो, निकलते हैं वर्कआउट के लिए। अभी रमज़ान का महीना गया है, तो उस महीने में यानी रमज़ान में इतना वर्कआउट नहीं कर पाता था मैं, बस पुशअप कर लेता था, बाकी और कोई एक्सरसाइज नहीं होती थी। हमारा वर्कआउट बहुत ही सिंपल होने वाला है आज। अभी 3 दिन तक मैं कोई भी वर्कआउट प्लान फॉलो नहीं करने वाला हूँ। लाइट वेट एक्सरसाइज होती है वही मैं करूँगा अभी, जैसे पुशअप हो गया, पुलअप्स हो गया, और सीटअप्स हो गए, और बेंच प्रेस हो गया, उसमें भी मतलब मैं वेट के बिना सिर्फ बार से। चलिए तो निकलते हैं जिम के लिए। आज लेट हो चुका हूँ मैं, आज यहाँ पे 7:27 हो चुकी है, लेकिन कल से जिम जाने के लिए थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। इसका हमारा वर्कआउट फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एंड पंप भी बहुत अच्छा था। मैं अभी घर पे आ चुका हूँ, वहाँ पे मैं शर्टलेस हो नहीं सका क्योंकि अभी मैं वहाँ पे इतना फ्रेंडली नहीं हूँ। जो भी लोग जिनको भी मैं जानता हूँ, वो कोई भी वहाँ पे आज प्रेजेंट नहीं था, आज कोई भी आया नहीं था, और जितने भी लोग थे वहाँ पे वो मेरे लिए नए लोग थे। तो बस अभी के लिए कुछ यही चीज़ें हैं, जैसे जैसे मैं यूज़ हो जाऊंगा ना, वैसे मैं वहाँ पे सबके साथ फ्रेंडली होता जाऊंगा, एंड उसके बाद तो मेरे लिए चीज़ें आसान होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट होने वाला है। ब्रेकफास्ट में मैं खाऊंगा 2 whole egg खाऊंगा मैं, एंड थोड़ा सा मतलब मैं ओट्स लूँगा, तो इस तरह से मेरा ब्रेकफास्ट होगा। मैं जब भी मतलब मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करता हूँ, मैं ऐसे भी मॉर्निंग में ही वर्कआउट में लाइक करता हूँ, तो मॉर्निंग में जैसे ही मैं वर्कआउट में जाता हूँ ना, तब मैं कोई भी मील नहीं लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं बनाना खा लेता हूँ और उसके बाद कॉफ़ी पी लेता हूँ, तो इस तरह से मेरी मील होती है सुबह की, मॉर्निंग की। तो चलिए मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। तो दोस्तों आज जुमा का दिन है और अभी मैं जुमा पर के आया, अभी दोपहर हो चुकी है, मुझे लगी है ज़ोरदार भूख, लेकिन अभी हम जाने वाले हैं कहीं और, यानी एक रिश्तेदार है उनके वहाँ दावत है, तो वहाँ पे खाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ईद चल रही है और ईद का आज दूसरा दिन है, तो आज भी दावत है, कल भी दावत है, तो अभी ऐसा ही सीन है, अभी ऐसा ही चलेगा, अभी का जो भी रूटीन है बस ऐसा ही रूटीन चलता रहेगा। 2-3 दिन बाद हम ना अपना डाइट प्लान, एग्जैक्ट डाइट प्लान, हमें क्या खाना है, कैसे कितना खाना है, हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना है या कैलोरी सरप्लस में जाना है, जो भी चीज़ें होगी ना वो सब मैं मेजरमेंट करूँगा, एंड उसके बाद हम फिर वही डाइट फॉलो करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी निकलते हैं, बाद में मिलते हैं। तो दोस्तों अभी नाइट हो चुकी है, 11:30 हो चुकी है, और अभी मेरे सोने का टाइम हो चुका है, और ऐसे तो आज मैं लेट हूँ, बहुत लेट हूँ। मैंने सोचा था आज 10 या 10:30 बजे तो मैं सो जाऊँगा, लेकिन मैं निकल गया था बाहर खाने के लिए, तो इस वजह से थोड़ी देर हो गई। और आज का जो डे है ना, मैं आपके साथ क्विक शेयर कर देता हूँ कि किस तरह से मेरा दिन आज का गया है। सबसे पहले तो मॉर्निंग हुई, उसके बाद मैं हमारे यहाँ दावत थी तो वहाँ पे गया, और वहाँ पे ना मैं वीडियो नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ के कोई भी फुटेज मैं नहीं ले पाया, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और इसलिए मुझे पॉसिबल नहीं लगा, तो इसलिए वहाँ के फुटेज नहीं लिए मैंने, वहाँ का कोई भी शूट नहीं किया। और उसके बाद मैं आ गया घर पे, घर पे आने के बाद फिर से मेहमान आए, अभी ईद है तो इसी तरह से चलता रहेगा, मेहमान आएंगे, मेहमान जाएंगे, और हम भी कहीं पे मेहमान बन के जाएंगे, इस तरह से कहीं ना कहीं मतलब मैं ऐसा ही होता रहता है। तो अभी 2-3 दिन तो यही चलेगा, तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी मेहमान आए थे, उसके बाद मैं निकल गया बाहर खाने के लिए, और इस तरह से हमारी नाइट हो चुकी है, और अभी मैं निकल रहा हूँ सोने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।